कुछ भी कर रहे हो ना, पहले तो एक मेरी बात अपनी जिंदगी में पल्ले बांधो। इस दुनिया में घटिया बंदा वो है जो कुछ नहीं करता, वो धरती पे बोझ है। एक बार हमें लगता है कि नहीं यार, हम काम करते, कोई भी काम करते हो तो गर्व से बोलो, मैं ड्राइवर हूं। गर्व से बोलो, मुझे गर्व है उस बंदे पे कि जो बंदा कुछ कर रहा है धरती पे बोझ है। कुछ कर तो रहा है ना, मेहनत कर रहा है ना, लेकिन मेहनत करने वाला बंदे का दिमाग चलना चालू होता है अगर वो एक काम करता दूसरा काम भी करता है। जो फ्री रहता है वो कुछ भी नहीं करता। अब कई बार देखो होंगे, और जो काम करते हैं पांच पांच छह काम भी इकट्ठे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लगन लग जाती है, उसकी इच्छा जाग जाती है, उसके अंदर की ताकत जागने लग पड़ती है। नल होता है कि नहीं? नल, हेलो, नल होता ना, तो कई बार नल का पानी गिर जाता है ना, तो क्या होता है फिर जब नल का पानी गिरता है, उसके अंदर जंग लग जाता है, उसकी जो बोकी है वो टूट जाती है, जो अंदर जो पानी बाहर लग के आती है। तो फिर आप क्या करते हो, कुछ और थोड़ा सा पानी अंदर डालते हो और उसका जो नीचे गिरा हुआ पानी होता है ना वो बाहर निकलता है और नल गेड़ के आप जितना मर्जी पानी इकट्ठा करो। तो ऐसे ही हमारे साथ है, आप लोगों का भी पानी गिर गया है। हेलो, हमारा भी पानी गिर गया है। हम सोच रहे हैं दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। मैं फंक्शन में चार गेस्ट लेके आना थे, लेके नहीं आ पाया। मैंने इन चार लोगों को ज्वाइन करवाना था, मैं करवा नहीं पाया। इन 10 लोगों को प्रोडक्ट देना था, दे नहीं पाया। तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल है गिर जाता है। इस फंक्शन में आना क्यों जरूरी होता? ये जो फंक्शन आपके सीनियर लोगों ने करवाया है, किन के लिए करवाया? अपने लिए करवाया कि आप लोगों के लिए करवाया? हेलो, तो एक बार इनका धन्यवाद करना चाहिए। ये जो क्लैपिंग बजा रहे हैं ना, ये मेरे लिए नहीं बजा रहे, अपने लिए बजा रहे। आज हमने मिलके जो अपना पानी गिर गया है इसको बाहर निकालना है, अंदर की ताकत को जगाना है। जैसे ही ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपका कोई दोस्त होता है, कोई रिश्तेदार होता है, तो क्या वो आपके पानी को उठाने की कोशिश करता है कि और गिराता है? हेलो, गिराता है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू पढ़ नहीं सका, तू ये काम नहीं कर सका, तुझे 4 महीने हो गए पोके लाइफ में कुछ नहीं कर सका, तू एक प्रोडक्ट नहीं बेच सका। तो क्या होता है कि हमें बहुत कम लोग मिलते हैं जो हमें ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। हमारा गिरा हुआ पानी, हमारी गिरी हुई मोटिवेशन हमारा है। दोस्त, तू इस दुनिया में राज करने के लिए आया है, तू एक विजेता है। आओ मिलके काम करते हैं। कितने प्रोफेशन ऐसे हैं? कोई प्रोफेशन का शॉप में कोई ऐसे करता? कोई जॉब में कोई ऐसे करता? एक जॉब निकली हो ना तो हम अपने चाचा के बेटे को नहीं बताते कि जॉब निकली है। बाकी आम लाइन पे लग जाते हैं, पता 10,000 पहले लगा होगा तो कंपटीशन इतना, मैं क्यों बताऊं किसी को? बताता कोई? एक बंदे के दिमाग में आइडिया आता है कि मैं मोबाइल की दुकान खोलता हूं सीतापुर में। अनशन कर रहे हो जहां आपके इलाके में, तो क्या आप लोगों से बातें करते हो? चुप करके खोलने की कोशिश करते हो? कोई दूसरा ना पहले करते, कंपटीशन है। मात्र एक ही बिजनेस है जिस बिजनेस के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, कि जिसमें आपके कंधे पे हाथ रख के बोला जाता है आओ मिलके तहलका मचाते हैं, टुगेदर वी विल डू इट। ये प्रोफेशन तुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? क्यों ये इतना अच्छा प्रोफेशन है? एक पर्सन आपके साथ आता है, आपको पेन पकड़ के आपको प्लान प्रेजेंटेशन कंपनी की जानकारी देता है, प्रोडक्ट की जानकारी देता है, यही काम खत्म नहीं हो जाता। फिर वो आपके साथ मेहनत करवा के आपके चंद गेस्ट के साथ जाके जब काम कराता है तो आप उसको काम करते हुए देखते देखते आप भी सीखना शुरू कर देते हो। लेकिन बात कहीं भी खतर नहीं होती, जब आप सीख जाते हो तो यही काम आप नीचे करना सिखाते हो, शुरू कर देते हो, कर देते हो। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग की PhD क्या है? लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन। लर्न, टीच एंड टीच हाउ टू।
सीखना, सिखाना और फिर सीखना कि सिखाना कैसे है। तीन पार्ट है ना, लर्न और टीच। पहले हम सीख रहे हैं ओके, फिर हम सिखा रहे हैं, लेकिन हमें सिखाना नहीं। प्रोफेसर तो सभी बन जाते हैं, क्या पढ़ाना सबको आता है? प्रोफेसर तो सभी बन जाते हैं, डिग्री की प्रोफेसर बन गए, लेकिन पढ़ाना सबको नहीं आता। इसी तरीके से सीख हम लेते हैं, लेकिन सिखाना जब चालू करते हैं वो भी हमें आना चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? जो हमारे साथ हुआ वही हमने आगे कर लिया। आज मैंने पेन पकड़ा, पेन पकड़ के अपने चंद लोगों को प्लान बताया, उनके साथ काम करवाया, उनको पता लग गया काम कैसे करना, उन्होंने मुझे फॉलो किया, वो सीख गए। क्या यही बात खत्म करते तो काम चलेगा नहीं। अब अगला काम क्या है कि आपने लोगों को सिखाना, उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन, उसको बोलते हैं लर्न टीच एंड लर्न हाउ टू टीच। सीखना है कि सिखाना कैसे। आज हम काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते जाते हैं, प्रोडक्ट घर में यूज करते जाते हैं, आगे बताते जाते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि एक हफ्ते में क्या ये वाला काम मैंने किसी को सिखाया है। लर्न टीच तो सबको पता है, सीखना है सिखाना है, यही बात कर दू। क्यों इतना विशाल कारवा बन जाता है मैं आप लोगों को नहीं जानता, लेकिन आज आप हम आपस में मिल गए ना, तो किसकी पावर है? तीसरे स्टेप में डुप्लीकेशन की। आज आप अपने मन में पता क्या सोच रहे हो कि आज हम सीतापुर में काम स्टार्ट कर रहे हैं, या जिस इलाके से आप आए हो, जयपुर से, या जो भी आपका इलाका है, आप सोच रहे हो कि मैं वहां से टॉप पे आऊंगा। यस, अगर आप अच्छा बढ़िया काम करेंगे तो लोग कहेंगे ना कि हम आपके नीचे हैं, आपकी टीम में हैं, बोलेंगे ना कि हम जयपुर वालों के नीचे हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि आप केवल जयपुर वालों के लिए नहीं, आप राजस्थान के लिए नहीं, पूरी इंडिया में आपकी टीम होगी। और पूरे इंडिया में जब आप जाओगे तो लोग बोलेंगे कि हमारा चीफ गेस्ट कमिंग फ्रॉम जयपुर। अपनी सोच को बड़ा करना है। दो तरह की सोच होती है, एक लुंबड़ी वाली सोच होती है, एक बाज वाली सोच होती है। लुंबड़ी वाली लुंबड़ी समझे ना, लुंबड़ी की क्या सोच होती है? उसको होता है शिकार, उसकी सिर्फ सामने वाले पे निगाह है। अच्छा ये बंदा आया है, इसको झूठ सच बोल के 5-10 हजार रुपए सामान बेचना है, काम खत्म। वो लुंबड़ी वाली सोच है। लेकिन बाज वाली सोच क्या होती है? आप देखो, बाज जितना धरती से ऊपर उठता जाता है उसको उतनी धरती ज्यादा दिखाई देती है। बाज इतनी दूर से जाके भी देख लेता है, हमें बाज नहीं दिख रहा है, लेकिन बाज को नीचे एक मछली तक दिख रही है। वो जितना ऊपर उठता है उसका टारगेट उतना बड़ा होता जाता है, उसको उतना ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है। बस यही है कि अपनी सोच लुंबड़ी जैसी है, ये 2-4-5 लोगों को फंसा के 2-4-5 हजार कमाना है कि पूरे राजस्थान में अपना राज होगा, पूरे इंडिया में अपना राज होगा, पूरे इंडिया में आपका बिजनेस जाने वाला है। जिस जगह पे आपने जिंदगी में जाने के बारे में सोचा भी नहीं वहां भी आपका बिजनेस पहुंच है। लेकिन शर्त यह है कि पहले काम तो स्टार्ट करें, सोच तो बड़ी करें, आगे तो बढ़े। इच्छा से हर एक चीज का जन्म होता है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। जब आपके बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने सर का इंट्रोडक्शन किया, तो 2-4 लोगों का और करूंगा, तो सबको ये क्या लगेगा कि ऐसा मेरी भी ऐसी ही कहानी। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं आप उनकी कहानी पढ़ के देखोगे तो उसके पीछे एक संघर्ष है। सही बात है कि नहीं? जब उसको हम सुनते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। आज जॉब करने के साथ भी कोई काम और करने की क्यों सोच रहे हैं ये आज आपको समझ आएगा। हाँ जी सर, आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो अभी इसमें कितना टाइम हो गया है? 2 महीने। 2 महीने। इससे पहले भी कुछ किया है कि ये फर्स्ट टाइम? जबरदस्त तालियां। ये स्टूडेंट है, कोई शॉप कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है? इतना क्या
श्याम लाल सर पर। श्याम लाल क्या कर रहे? दुकान चला रहे हो। दुकान किस चीज की? स्टेशनरी की, मोबाइल। कब से? 4 साल हो गए। वो किराए में कब से? 2 महीने हो गए। दो और इससे पहले कुछ क्या किया? फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम है। जबरदस्त तालियां। हाँ जी सर, आप क्या करते हैं? मिस्त्री का काम करता हूँ। जबरदस्त तालियों सर के लिए। ये पहली बार किया कि इससे पहले भी करते? पहली बार नहीं, ये नेटवर्किंग जो आप कर रहे हैं इससे पहले भी कोई कंपनी किया कि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? पल्स में किया था। पल्स में किया था, वो तो चलो इन्वेस्ट कंपनी इन्वेस्टमेंट वाली है ना। नेटवर्किंग की कोई कंपनी की पहले? नहीं। क्या नाम आपका? मंगल राम। मंगल, क्या बात है। मंगल मंगल आपका नाम? राम अवतार वैष्णव। क्या नाम, बड़ा शानदार है। दोबारा सुनना, देखो नाम कितना शानदार। राम अवतार वैष्णव जनावर। क्या राम अवतार वैष्णव क्या करते हैं सर? पहले SOBM में किया था। SOBM नेटवर्किंग बंद हो जो रिलायंस वाले के लिए। इसमें फर्स्ट बार आया हूँ, अभी प्राइवेट जॉब करता हूँ। एक्सपोर्ट लाइन में प्राइवेट जॉब जी सर। जबरदस्त, बैठिए। बहुत बढ़िया। अब आप कुछ भी कर रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन अब जिस प्रोफेशन को आपको बड़ा होगा उसी की एग्जांपल होगे ना। मेरे बारे में आपको पता है कि मैं कॉलेज में लेक्चरर था। मैं अपने बारे में थोड़ी सी आपको स्टोरी बताता हूं। गांव में रहते थे, छठी कक्षा में सरकारी स्कूल में ABC पढ़ाई जाती थी। वहां से ABC चालू हुई। जब थोड़ी सी समझ आई कि दिमाग में एक चीज घुसी कि किसी ना किसी तरीके से शहर जाने का मौका मिलेगा, पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, तो हम भी वो सारी चीजें प्राप्त कर लेंगे जो अमीर लोग प्राप्त करते हैं। आपको पता है कि आज से 20 साल पहले गांव में वो सुख सुविधाएं नहीं थी। ठंडा पानी नहीं था, लाइट नहीं थी, पंखा नहीं था, अच्छी सोसाइटी नहीं थी, स्कूल कॉलेज नहीं थे, तो उसके लिए हमें शहरों में जाना पड़ता था। तो हमारा एक ही सपना था कि हम शहर में जाए। तो भगवान की कृपा हुई, शहर जाने का मौका मिला, 8th क्लास में एडमिशन हुई। और जब +1 की बारी आई तो आपको पता है कि जैसे ही हम 10th क्लास करके आगे जाते हैं तो हमें चुनना पड़ता है कि हम कौन सा कैरियर लेंगे। पता नहीं होता, अभी भी मैं आप में से कितने जंग लोग हैं उनको स्टेज पे बुलाऊंगा कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, तो हंस के दिखा देंगे। मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, 22-23 साल पहले की बात। तो मन में आया कि यार क्या करना है। तो जैसे ही +1 में आए तो एक बड़ी भयंकर प्रॉब्लम आ गई, इंग्लिश। इंग्लिश बहुत वीक थी। तो +1 में एक सब्जेक्ट होता था, आपने भी देखा होगा, एक ऐसे लिखना होता था, एम्बिशन ऑफ माई लाइफ, एम ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का लक्ष्य। तो तब मुझे समझ आया, तो मैंने क्या कहा कि आई वांट टू बिकम ए कॉलेज लेक्चरर ऑफ पंजाबी। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आई वांट टू बिकम ए कॉलेज लेक्चरर काफी है, पंजाबी को पंजाबी नहीं लिखते, वो काट देते थे। मैं गारा पे फिर लिख लेता था, क्योंकि बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज में मैं जहां पढ़ता था वहां हर सब्जेक्ट में कंपटीशन होता था कि पंजाबी का फर्स्ट कौन है, मैथमेटिक्स का फर्स्ट कौन है, हिंदी का फर्स्ट कौन है। तो उसमें मैं पंजाबी में फर्स्ट आता था, मैथ में मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही हिंदी की बारी आती थी या इंग्लिश की बारी आती थी तो वहां मेरी प्रॉब्लम आ जाती थी। तो मैं सोचता था कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं पंजाबी का। एक लाइन आपने सुनी ना, जहां चाह बाकी को समझ नहीं आ रहा, जहां चाह वहां रहा। चाह पीने वाली नहीं बोल रही, चाह जहां चाह वहां रहा। जो आपकी चाहत होती है ना, भगवान ऑटोमेटिकली रास्ता पैदा कर देता है। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं प्रोफेसर तो बनना चाहता हूं, लेकिन कब +2 होगी, कब BA होगी, BA के 3 साल मैं करूंगा तो ही MA करूंगा, तो बड़ी टेंशन चल रही थी। लेकिन मेरा दिमाग बिजनेस के ऊपर बहुत चलता था कि काश मैं बिजनेस करूं। तो तब मेरे चाचा जी ने STD खोली, जो फोन चलने का एक बड़ा काम होता था। तो मुझे आज याद है कि लगभग मेरी उम्र 16 साल की उम्र में मेरे दिमाग में ये आ गया कि कमाई करें, पैसा कैसे है। तो मैं पार्ट टाइम STD में बैठता था,
और मेरे मन में आता था कि काश मेरे पास पैसा हो तो मैं एसटीडी की दुकान खोलूं जहां अलग अलग कैबिन बने हुए। अब देखो जब फोन करने आते तो सारे बैठे होते हैं तो प्राइवेसी नहीं रहती थी। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मेरे पास पैसे हो तो मैं ऐसे 8-10 कैबिन खोल दूं, लेकिन पैसा नहीं। बाद में लोगों ने खोले, जो मेरे दिमाग में आइडिया है बाद में लोगों के दिमाग में आइडिया है, उन्होंने खोले, नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही प्लस टू की पढ़ाई में, आपको पता जैसे अभी भी चल रहा है, तो जैसे ही प्लस टू करते थे तो उसके बाद कॉलेज में जाना होता, तो बच्चों को एग्जाम होते हैं तो उनको फ्री करना होता है कि भी आप ये डिग्री कॉलेज में जाएंगे, तो उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या सपना है। तो ऐसे ही क्लास लगी हुई थी, सब बैठे हैं, तो कल से कॉलेज फ्री हो जाना है, एग्जाम होने हैं, जैसे आपके बोलते पक्के एग्जाम, तो पक्के एग्जाम की सबने तैयारी करनी है, तो सबको पूछ रहे तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा, तो जो जिसके मुंह में आता है बोलता जा रहा है। आपके इंटर बोलते हैं मेरे ख्याल से प्लस टू, तो सब कोई बोल रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, सब हंस रहे हैं कि आर्ट्स का स्टूडेंट है डॉक्टर कैसे बन जाए। जो जिसके मन में आ रहा है बोल रहा है, लेकिन जैसे ही आगे आगे बारी चलती है तो जिसकी बारी आने वाली होती है उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना। जैसे अभी देखो स्टेज पे बोल रहे थे ना, तो विजेंद्र जी एक से पूछ रहे थे तो अगले वाले के होठ सूख रहे थे, मेरी बारी आ जाती। तो जैसे ही उसकी बारी आ जाती कहती आह मैं बच गया। आज हम कितनी बार भी आप स्टेज पे चढ़े हो, कितनी बार भी आपने इंट्रोडक्शन की हो, मैं यहां से इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा तो यहां वाले पे दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाएंगी, होता है ना। तो ऐसे चल रही है, ऐसे बारी चल रही है सबकी, तो मैं बीच में बैठा हूं तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है कि मेरी बारी आएगी तो मैं क्या बोलूंगा। कुछ लोग तो इसलिए बोल रहे थे कि मैं बोलूंगा सब हंसेंगे तो बड़ा मजा आएगा, कुछ मजाक में कर रहे थे, कुछ नंबर की बात कर रहे थे। तो जैसे मेरी बारी आई तो जो मेरे दिल में चल रहा था वो मुझे पता नहीं लगा, मेरे मुंह से निकल गया। मैं उठा, मैंने उठ के बोला सर आई वांट टू बिकम ए कॉलेज लेक्चरर ओ पंजाबी, तो कहता मैंने यार कितनी बार बोला ओ पंजाबी नहीं होता, इतने सेंटेंस बड़ा होता। पर सर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जब मैंने पंजाबी का लेक्चरर बनना है तो मैं सर हिंदी क्यों पढ़ू, सोशल साइंस क्यों पढ़ू, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ू, तो सारी क्लास हंसने लग पड़ी। कैसे कैसे होता है, तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं, प्रोफेसर बाटते कहते चुप करो, उसने इतनी शानदार बात की आप हंस रहे। मैं कहा प्रोफेसर कीजिए मेरी चाहिए, तो कहते यार आपने बात बड़ी शानदार की है, मेरे ख्याल से बीए ऑनर्स इन इंग्लिश और बीए ऑनर्स इन पंजाबी शुरू होने वाले। मैं कहा हाँ जी, मेरी आंखों के आगे तारे चमकने लगे, पर जो आप सोच रहे हो और आपको मिलने वाला हो या मिल सकता हो तो एक बार आंखें भी जा जाती है, दिमाग सनसना जाता है। तो मैंने कहा सर अच्छा, मैं गया 10-20 रुपए का जुगाड़ किया, यूनिवर्सिटी हमें अमृतसर में पड़ती है हमारे 40 किलोमीटर, मैं गया तो जाके पता किया कि बीए ऑनर्स कहते अभी चालू होने वाली है, प्रोस्पेक्ट ले लो। मैं लाइन में लगा पूरा 2 घंटे बाद मेरी प्रोस्पेक्ट की बारी आई, मैंने प्रोस्पेक्ट लिया, कहते कि 800 प्रोस्पेक्ट बिके हैं तो सिर्फ 20 सीटें चालू हुई हैं, बीए ऑनर्स इन पंजाबी, मतलब बीए में सारे पेपर पंजाबी के, जहां चाह जहां चार ना मैं सवाल पूछूं, ना मैं बात करूं, ना मुझे कोई बताए। जब तक इच्छा ही नहीं जागेगी तो क्या किसी चीज की उत्पत्ति होगी? नहीं। अब कहते छोड़ो यार, दुनिया में क्या लेके जाना है, दो फुलके खाने हैं, नहाना सो जाना, मर तो जाना ही, करना क्या है। ऐसे भी लोग हैं ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बहाना बना दिया। लेकिन यही बहाना कामयाब बंदे का निशाना है। कैसे? बंदा कहता मर तो जाना ही है, मरने से पहले कुछ ऐसा कर लूं कि दुनिया याद रहे। मर तो जाना ही है। तो बहुत चंद लोग हैं जो आपकी शक्ति को जगाते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप चाहते हो कि आपके अंदर की शक्ति जागे? यस। जगाना चाहते हो? यस। कि दबाना चाहते हो? यस। जैसे बोलोगे मैं वैसे करने में माहिर हूं। आप बोलोगे दबाना है तो मैं दबा दूं, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, सिकंदर भी क्या लेके गया था, हाथ खाली। ज्यादा लोग हमारी शक्ति को दबाने का ही काम कर रहे हैं। हेलो, कर रहे हैं ना दबाने का। अपनी शक्ति जागेगी तो दुनिया आपको सुलूट करेगी। आपके नाम के हजारों लोग हैं, तारा चंद हजारों लोग हैं,
लेकिन जब ताराचंद ने कुछ ऐसा काम किया था तो लोग क्या बोलेंगे, आपका गांव का नाम लेके, आपकी कास्ट का नाम लेके, आपके खानदान का नाम लेके, अच्छा वो ताराचंद जो हॉकी का खिलाड़ी है, मेरी बात पूछना कर रहे। जब आपने कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बढ़िया किया होगा, तो आपके मोहल्ले का, आपके परिवार का, आपके खानदान का नाम भी चमकता है। तो किस चीज से होता है, शक्तियां दबाने से कि शक्तियां जगाने से? जगाने से। जगाने के लिए कुछ पैसा लग रहा है? वो मेरे अंदर की शक्ति जो बुझ चुकी थी कि यार मैं बिजनेस करता हूं, पैसा चार हो, पढ़ाई में तो अपना काम होना नहीं, क्योंकि प्लस टू में, प्लस वन में बड़ी मुश्किल से 33 नंबर आए थे इंग्लिश में, और प्लस टू में मुझे यही था, एक ही अरदास थी कि 33 आ जाए, 33 आ जाए, बाकियों की कोई चिंता नहीं, मतलब अगली क्लास में चला जाऊं। तो मुझे लगता था जिंदगी पहाड़, BA1 BA2 BA3 ना होगा, 100 मन तेल ना रहा था नाचे अपना प्रोफेसर लेता, प्रोफेसर तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि BA होगी तो MA करूंगा पंजाबी की। लेकिन भगवान ने रास्ता पैदा किया, जहां चार वहां रहा। तो मैंने जाकर टेस्ट दिया, सेकंड मेरी पोजीशन आई, मैंने BA ऑनर्स इन पंजाबी किया, फिर मैं पंजाब चंडीगढ़ गया, MA पंजाबी किया, फिर MPhil पंजाबी की, डबल मास्टर डिग्री होगी ना, मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो भगवान की इतनी कृपा हुई कि अपने शहर में, अपने घर के पास DAV कॉलेज में पंजाबी लेक्चरर का जॉब करने का मौका मिला। तब मेरी उम्र 24 साल, सारा मोहल्ला खुश, सारे रिश्तेदार खुश के छोटी सी उम्र में बंदा लेक्चरर लग गया। क्यों लगा? क्योंकि मैंने छोटी सी उम्र के लेक्चरर प्रोफेसर बाट की नकल मारी, यार ये बन सकता है तो मैं भी। किसी ना किसी को फॉलो किया ना। हेलो, हम क्या करते हैं जिंदगी में, फॉलो करते हैं। कुछ लोग फेलियर्स को फॉलो करते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये फेल हुआ, तो फिर ऐसे ऐसे करके हम भी तो फेल ही होंगे। जब हम किसी की नकल मारते हैं, किसी को कॉपी करते हैं, ऐसे ऐसे करके ये बंदा कामयाब हुआ, तो दोस्त ऐसे बढ़ना शुरू हुआ, भगवान की बड़ी कृपा हुई। लेकिन जैसे ही बाहर आए तो देखे कि जो सपने हैं वो पूरे नहीं हुए। अब ना पढ़ाई में कमी है, ना जॉब में कमी है, ना आपके काम में कमी है। कमी किस चीज में है कि महंगाई डैन खाए जाता, महंगाई की स्पीड ज्यादा है आपकी कमाई की स्पीड। आज तक जितनी गोष्ठियां हुई हैं, जितने आपके रिश्तेदारों के साथ आप बैठते हो, जहां जहां आप जाते हो, तो आपकी शक्ति को दबाया कैसे जाता है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी, एक एक रुपया बचाओ, दो दो रुपए बचाओ। उनको एक सवाल पूछ लो कि एक एक दो दो रुपए बचा के आपने से कोई करोड़पति बना है? बना है? उनको जो आता है वही बताना। मेरे माता पिता ने जो किया मुझे तो वही बताएंगे। मुझे उन्होंने बोला पढ़ो लिखो ऐसा करो, तो मैंने अपने माता पिता को सवाल ही नहीं पूछा कि आपने की पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पूरे होंगे सभी ख्वाब। मुझे भी यही बताया था, मैं भी आगे यही बताता जा रहा। लेकिन ये चीज किसी ने नहीं बताई कि कैसे आपके ख्वाब होंगे। हमें दबाया ही जाता है कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। आप बताओ कि महंगाई तो हमें भी बढ़िया बढ़ी है भाई, आपके बताने की क्या जरूरत है? इसके ऊपर चर्चा करके हमें कुछ मिला आज तक? तो चर्चा किसके ऊपर करनी है कि कमाई कैसे बढ़े, इसके ऊपर चर्चा करनी ना। तो कमाई कैसे बढ़ेगी, इसके लिए फिर मेरे दिमाग में एक सपना चल रहा था। फिर प्रोफेसर की नौकरी के साथ, जैसे देखो सर नौकरी कर रहे हैं, बड़े लोग हैं जो सरकारी नौकरी करने के साथ भी कई काम करते हैं। जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती या जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता, तब तक आपको लगता है कि अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं तहलका मचा दूंगा, तहलका। लेकिन जैसे ही वो नौकरी आपको मिलती है, आप थोड़ा पैसा कमाना शुरू करते हो कि दाल आटे का भाव पता लगता है। फिर माता पिता की कही बात याद आती है ना, जब अपने माता पिता को बोलते लाओ मोटरसाइकिल लेके दो, मैंने पढ़ना, लैपटॉप लेके दो, 50,000 का फोन लेके दो, लाख का एप्पल लेके दो, बोलते ना माता पिता। तो माता पिता क्या बोलते हैं कि जब तू कमाएगा ना, दाल आटे का भाव पता। तो कमाने, इसलिए मैंने बोला कि आप कुछ भी करो, कमाई कर रहे हो तो आपको उस कमाई की वैल्यू समझ आती है। मैं भी उस बंदे की हमेशा हेल्प करता हूं। मेरे से रिक्शे वाला पैसे मांगे तो मैं उससे कभी बहस नहीं करता, ज्यादा देता हूं। मैं कहता हूं शुक्र है ये कुछ कर पा रहा है,
मैं मांगने वाले को मांगने को कभी पैसा नहीं देता, मैं वेटर को देता हूं, मैं काम करने वाले को देता हूं, जो किरण कर रहा है, जो दिहाड़ी लगा रहा है, जो मिस्त्री है, लोग उससे बहस करते हैं, नहीं तू 200 नहीं 175 ले ले। हम अपने 200 देखते हैं, लेकिन उसका देखो कि उस बेचारे ने सारा दिन दिहाड़ी लगा के 300-400 कमाना, उसका बेचारे का क्या बनेगा? कभी सोचा? हम उस बंदे की हेल्प करो जो मेहनत कर, और ये हर धर्म में लिखा है कि किरत करने वाले को, मेहनत करने वाले की हेल्प करो, जो निकम्मा बैठा है, जो मांगने में विश्वास रख रहा है, हट्टा कट्टा है, लेकिन मांग रहा है काम नहीं कर रहा, उसको नहीं देने। वो उसका बीड़ी पीलेगा, सिगरेट पीलेगा, कोई पुण्य नहीं होने वाला, लेकिन ज्यादा लोग इसीलिए हेल्प करते हैं कि शायद मुझे पुण्य मिले। सड़क में बैठे बाबा जी इसको 10 रुपए दे दो, हमें पुण्य मिलेगा। नुकसान होगा क्योंकि उसका हुक्का पिए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे? मेहनत कर, सब्जी वाले को दो ना 2 रुपए ज्यादा, रिक्शे वाले को दो, मेहनत करने वाले को दो। लोग मार्केट में आपकी शक्ति को दबाने के लिए बैठे हैं, आप उनके साथ दोस्ती डालते हो, और जो आपकी शक्ति जगाने के लिए बैठा है उसका फोन नहीं उठाते, यानी मीटिंग में बुलाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे? मैं आपको गारंटी करता हूं ये बात ओके लाइफ की नहीं हो रही, बात प्रोडक्ट बेचने की नहीं हो रही। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शक्ति को जान लो, हमारे साथ 6 से 7 महीने जुड़ गए, इस सिस्टम को समझ गए, सिस्टम की पावर को समझ गए, तो मैं गारंटी करता हूं दुनिया का कोई भी काम करोगे ना उसमें कामयाब हो जाए। गारंटी। अब मैं प्रोफेसर बन गया, 3-4 महीने मूछों को ताओ शांति अकड़ी मुझसे खड़ी, क्या आया मैं कस्टम ऑफिसर, लेकिन समझ आई कि 3 भाई बहन और है, गुजारा कैसे होगा? आज जो मांगने वाला बंदा था मम्मा पापा से, आज देने वाली पोजीशन पे है। तो आज मैंने देना है, और ऊपर से सोच रहा हूं कि एक मोटरसाइकिल ले लो हीरो होंडा। कहां सपने चालू हुए चंडीगढ़ में कि प्रोफेसर बन गया तो गाड़ियां आ जाएंगी, बंगले हो जाएंगे, लेकिन नौकरी के करने के बाद 3 भाई बहन और घर के और अपने मोटरसाइकिल के चलने, समझ आई दाल आटे का भाव पता। तो 2-3 बजे आके पंखा चला के सो जाता था, रात को सैर करता था, अखबार पढ़ता था, 2 घंटे टीवी देखता था, वो सब कुछ छोड़ा, साथ में काम करना चालू किया LIC की एजेंसी। मेरे मन में एक पॉइंट चल रहा था कि अगर मेरे पास पैसा हो तो, तब किसका जमाना था, STD का तो बहुत पुराना हो गया ना, अब किसका जमाना था, 2002 की बात कर रहा हूं, इंटरनेट का, लोग साइबर कैफे में जाते थे, लोगों ने कंप्यूटर रखा होता था। तब मेरे दिमाग में आया मेरे पास पैसा हो तो मैं साइबर कैफे बनाऊं, कैबिन बनाऊं, अलग अलग कंप्यूटर, हर बंदा पर्सनल करना चाहता है। तब 60 रुपए 1 घंटे का नेट होता था, कितने का? 60 रुपए का, और पेज इतना स्लो होता था कि एक पेज दबा के घर से खाना खा के आ जाओ तो अगला पेज नहीं आता। 60 रुपए 1 घंटे का, 2-3 घंटे लग जाते थे थोड़ा सा काम करने के लिए, लेकिन वो भी एक अच्छा जमाना था कि लेटर भेजनी होती थी, यूके में, इंग्लैंड, अमेरिका में मेरे पिताजी जाते थे, तो लेटर भेजने के कितने पैसे लग जाते थे, तो हम कहते थे चलो ईमेल कर देते। मेरी बात मोशन कर रहे? तब मैं अपना थीसिस भी लिख रहा था, तो मेरे को कंप्यूटर का थोड़ा सा, तो तब मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता लगा, तो मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी में काम स्टार्ट किया, नौकरी के साथ साथ काम स्टार्ट किया। और जब मुझे पता लगा कि पार्ट टाइम काम करके जो मैं चाह रहा हूं, जो मेरे अंदर की शक्ति थी वो जाग रही है, वो मैं फुल टाइम से भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, तो दोस्तों मैंने काम करके जब मेरे को लगा कि अब काम अच्छा हो सकता है, मैंने अपनी जॉब छोड़ी। वही जॉब जिसको ढूंढने के लिए, जिसको लोन लेने के लिए लाखों रुपए लोग अपने जोड़े में डाल के घूम रहे। अब सोचो कि मैं प्रोफेसर लग गया तो मैं खुश नहीं, तो जो लोग मेरे साथ पढ़ाई की उनको जॉब नहीं मिली, उन बेचारों का क्या हाल होगा? कभी सोचा? सोचो कि जिसको जॉब मिल गई वो खुश नहीं, तो जो पढ़ के बेचारा एमए एमफिल PhD करके उसको जॉब नहीं मिली, उसका तो बुरा हाल है ही ना। फिर 2 साल काम किया, मेहनत की, आगे बढ़े, फिर मेरी मैडम की गवर्नमेंट जॉब थी, उसकी भी जॉब छिड़वा दी, और सारी जिंदगी मेहनत करके 40 साल मेहनत करके जितने पैसे कमाने थे अगले 4 साल में कमा लिए।
जो हमारी शक्ति को दबा रहा है, हमें पलोस रहा है कि गड़बड़ ना हो जाए, तू प्रोफेसर की नौकरी छोड़ रहा है, तू गाड़ी के सपने ले रहा है, तेरा स्कूटर भी टूट जाने, वो शक्ति को दबा रहे थे ना कि ये तो फालतू लोगों के लिए काम है जो फ्री है, जो बेरोजगार है, तू तो प्रोफेसर है, तेरे लिए ये काम नहीं बना। अच्छा करना भी है तो पार्ट टाइम कर, जॉब तो छोड़ रहा है। तो मेरे पास स्कूटर होता था अलग, तो मैं वो लोग कहते थे तू गाड़ी के चक्कर में अपना स्कूटर भी तोड़ लेना, मतलब शक्ति दबाने वाले भी लोग थे। उनको क्या दिख रहा है कि 40 साल जॉब करनी है, लेकिन शक्ति जगाने वाले भी लोग थे। मेरे कंधे पे हाथ रख के लोग मुझे कहने वाले थे कि नागरा साहब आप करोड़ों कमाने के लिए पैदा हुए। अब उनको क्या दिख रहा है 40 साल नौकरी भी छोड़नी, मुझे क्या दिख रहा है कि जो मैंने 40 साल में काम करना वो तो मैंने 4 साल में कर दी। अगर ये मुझे रास्ता नहीं मिलता तो मैं भी जॉब करता, मेरी वाइफ भी जॉब करती, ये तो सच्चा है। आज गुजारा नहीं होगा, आज लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, आप ही जॉब करनी पड़ेगी, वाइफ को भी जॉब करानी पड़ेगी, सही बात है कि नहीं, तो गुजारा होगा, क्योंकि महंगाई की स्पीड ज्यादा है। जब तक हम कमाई के साधन नहीं बढ़ाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे तब समझ आया कि अकेला बंदा जितनी मर्जी बड़ी तोप हो, जो अकड़ता फिरता है मैं बड़ी तगड़ी तोप हूं, और आपको पता वो चौराहे पे लगी होती है, ये बड़ी तगड़ी तोप होती थी, लगी है ना चौराहे पे, जो आज आर्मी के पास बड़ी बड़ी तोपे हैं कई पुरानी, उन्होंने चौराहे पे लगा दी, तो बताते ये कभी समय पे बड़ी तगड़ी तोप होती। तो जो अपने आप को तोप समझते हैं वो आए या ना आए गए, आगे बढ़े, पता लगा कि टीम बनानी है, टाइम कंपाउंड करना है, और आगे बढ़ते बढ़ते 14 साल बिजनेस के, 14 साल कोई इलाका नहीं जहां घूमे नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आधे अधूरा काम करते हैं, ना तो काम पूरा ना इंजॉयमेंट पूरा। हेलो, अब कई लोग मुझे बोले सर आप जयपुर आए आपको घुमाएंगे, मैं तो घूमने लेके मैंने काम तो करा, जब घूमने आएंगे फिर काम नहीं करेंगे, फिर फैमिली को लेके घूमेंगे। सिर्फ यही चीज है कि हम हर काम को आधा अधूरा करते हैं। मैंने कैसे करो, मतलब अपने काम, जिस काम के बारे में आपके साथ चर्चा की गई है और आने वाले समय में चर्चा करते हैं, काम को ऐसे करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत खूब जाओ, सब इधर उधर की चीजें छोड़ के, जैसे मैंने किया। जब मैं पढ़ता था तो कहीं किसी रिश्तेदार में कोई शादी होती थी तो क्या हमें लेके जाते, माता पिता क्या बोलते, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, सारी जिंदगी पढ़ी करो, बोलते हैं ना। कोई मर जाता था तो कहते थे कोई नहीं तुमने नहीं जाना पढ़ाई करो। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, कैरियर की बात नहीं कर रहा, बिजनेस की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे पढ़ाई की कि कहीं नहीं जाना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब प्रोफेसर लग गए और प्रिंसिपल को बोलते थे ससुराल जाना है 2 दिन की छुट्टी दे दो, कहते पक्की लेनी है तो बोलो, तो जिंदगी कहां गई। पहले पढ़ते रहे, माता पिता का बोले पढ़ो 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 पढ़ो, कहीं खुशी कमी कहीं नहीं जाना, पढ़ो पढ़ो, जब पढ़ जाओगे तो ऐश करना, और जब प्रोफेसर लग गए तो प्रोफेसर बोलता है पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, तो बंदे की ऐसे ही जिंदगी निकल जाती होता है ना, होता है। तब पता नहीं लगता बंदे की 60 साल उम्र होती है और बंदा हो जाता है रिटायर, और रिटायर का क्या मतलब होता है, मजे करो, है ना, रिटायर भी होता है रिटायर होता है, जब आपके टायर घिस गए हैं नए डलवाओ, मतलब 60 साल की नौकरी करने के बाद एक और नौकरी, जिसको ये चीज समझ आए। कई लोग कहते नहीं जी 60 साल बाद देखेंगे, 60 साल की बंदे की उम्र होती है, अच्छी जॉब होती है, लाख रुपये सैलरी होती है, मुझे पता था कि मेरी सैलरी लाख रुपए में चली जाएगी, लेकिन जैसे ही मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी सैलरी फिर वही आ जाएगी जहां से मैंने शुरू किया था, वही कितनी 40%, फिर 20-25 हजार रुपए आ जाएंगे। हेलो, आज की डेट में मेरा लाख रुपए में गुजारा नहीं हो रहा, जैसे मैं 60 साल का हो जाऊंगा घुटने दर्द और शरीर बूढ़ा और ऊपर बोझ किसका, बच्चा बड़ा है जो भी सेट भी हुआ, बेटी बड़ी है जिसकी शादी करनी है, लेकिन जैसे ही बंदा रिटायर होता है तो उसकी इनकम 40% हो जाती है। अब क्या वो दुकान में जाएगा तो क्या चीजें उसको सस्ती मिलेगी, तो बोलेगा भाई मेरी तो पेंशन लग गई 100 रुपए से मेरे हो गए 40, तो तू भी मुझे 40% में चीनी दे, देगा।
देगा नहीं देगा ना। तो क्या हुआ, ये चीज बंदे को 60 साल में समझ आई वो अच्छा है कि आज समझ आए तो वो अच्छा है। जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन उसके साथ अपनी जिंदगी के लिए 2-4-5-6 घंटे अगर हम मेहनत करते हैं तो हम एक ऐसा कारोबार खड़ा कर सकते हैं। आज कई लोगों को लगता है कि थोड़ा सा काम मुश्किल है, मैं उसको आसान कर दूंगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, थोड़ा सा काम मुश्किल है। पता क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं कि करना कैसे है। लेकिन ये आसान क्यों है कि आपके साथ लोग बैठे हैं जो आपको बोलते हैं और आपको सिखाते हैं, किसी दूसरे काम में बोलते हैं। अगर आपको तरीका आ गया तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे। कहते ना काम करने का तरीका आना चाहिए, और जिसे काम करने का तरीका उसका इधर ही अमरीका। हेलो, जिसको काम करने का तरीका उसका इधर ही अमरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि ये काम कितना मुश्किल है। कई लोग बोलते हैं ना बड़ा मुश्किल काम, जब काम करने का ढंग ही नहीं आता तो मुश्किल तो होगा ही। शिवकेड़ा जी ने भी लिखा ना, लिखा कि नहीं लिखा है? कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से। क्या आप अलग तरीका जानना चाहते हैं? Yes. कितने लोग जानना चाहते हैं? दिल से बताइए, जानना चाहते हैं? Yes. इधर ही अमेरिका बनाना चाहते हैं? Yes. आज हमारा इधर अमेरिका है। अब अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले, आप देखो मेरे ख्याल से राजस्थानियों को मारवाड़ी बोलते हैं ना। आज पूरी दुनिया में पंजाबी कौम, मारवाड़ी कौम और गुजराती कौम मशहूर है, ठीक है कि नहीं? तो पर मुझे आपके साथ बात करने में मजा नहीं आ रहा, मारवाड़ियों में कोई जोश नहीं दिखाई दे रहा, कोई ताली में आ नहीं रहा। मेरी ताली देख लेना और अपनी ताली देख लेना, अपने आप देखना कि पैसे क्यों ज्यादा आते। इतना मुश्किल काम है कि सुबह खुद बच्चे छोड़ के जाता हूं, बच्चे छोड़ने के बाद बच्चों के साथ जब पहले बैठ के ब्रेकफास्ट करता हूं, फिर बच्चों को खुद छोड़ने जाता हूं, फिर 1 बजे बच्चों को 2 बजे लेने जाते हैं,
फिर अपनी वाइफ के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करता हूँ, सॉरी लंच करता हूँ, कितना मुश्किल। फिर शाम को 5 बजे बच्चों के साथ सैर करने चले जाता हूँ, फिर उनके साथ बैठ के शाम की पूजा करते हैं, फिर 8 बजे ही डिनर करना पड़ना पड़ता है, फिर उनके साथ खेलना है, फिर अपने मम्मा पापा के साथ आके बैठ जाना है, फिर जब दिल करे तब सो जाना है, फिर सुबह उठना है अपनी मन मर्जी से, फिर बच्चों के साथ ही नहाना है। कितना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं। अब आप बताओ कितने करोड़पति बंदे हैं जिनको ये सुख प्राप्त है, बताओ है? हाँ जी हनुमान जी, कितने लोग हैं? अरबों खरबों वाले लोगों को भी ये सुख प्राप्त है? तो कब लेना ये सुख? ये जो मेहनत की है ना उसका लेना। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे होते तो कैसे होता? नहीं होता नहीं। सोच के देखो, शराबी फिल्म देखी ना अमिताभ बच्चन की, देखी नहीं? जब उसका पिता बहुत अमीर हो जाता है और वो कहता है ये देखो मैं तेरे लिए 2 लाख की मूर्ति लेके आया, ये 10 लाख का झूमर लेके आया, ये लेके आया, वो लेके आया, उसने शराब भी होती थी, कहता तू शराबी पी के बैठा रहता, वो पिस्टल निकालता कहता डिश्यू 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 डिश्यू, कहता तू सब कुछ लेके आया लेकिन जो माता पिता का प्यार था वो तूने नहीं दिया, इसलिए दूध की बोतल की जगह पे मेरे मुंह पे शराब। हर फिल्म हमें सिखाती है। अब आप पत्नी आप क्या देखते होंगे, हम तो ये देखते हैं। अंडरस्टैंड कर मेरी बात को? लोगों ने पैसा तो कमा लिया लेकिन जो सुनहरी पल है, अब आएंगे वापस, जो मैं अपने बच्चों, अब नहीं होता तो क्या होना था? मैडम ने अपने जॉब में आना था, मैंने अपने जॉब में आना था, मैंने कहना था पानी का गिलास पकड़ा था खुद पकड़ ले, मैं भी तो जॉब से आई। क्या कह रहे आज जाते हैं टूर से, जाते हैं जाते गर्म गर्म घर की रोटी मिलती है, प्रश्न कर रहे हैं नहीं? जितने मर्जी बजे जाए जब काम करने जाते हैं फिर रात को 1 बजे भी जाते हैं, 1 बजे भी जाके गर्म गर्म रोटी मिलती है, क्यों? पता है कि हस्बैंड काम करके आया है, और ये अगर 5 दिन काम कर रहा है तो अगले 5 दिन फ्री है। कितने लोग हैं जो 8 बजे डिनर कर लेते हैं? बाबा रामदेव को कहता 5 बजे करना चाहिए, कम से कम 5 नहीं तो 7-8 बजे तो कर लेना चाहिए। जितनी लेट हम भोजन कर रहे हैं वही ही बीमारियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। करोड़ों पति लोग हैं जिनके बच्चे रिक्शों में बसों में धक्के खा रहे, नहीं करते तो आज बच्चे धक्के खा रहे होते, बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता। आज लोग कहते थे तूने तो जॉब छोड़ दी, मैडम की छुड़वाने की क्या जरूरत है? आज मैं होता हूं तो मैं करता हूं, नहीं होता तो आज मेरी मैडम स्कूल छोड़ के आती है, बच्चों को स्कूल से लेके आती है, ट्यूशन खुद पढ़ाती है, अपने धार्मिक संस्कार देती है। कौन देता है? कौन देता है? ये प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग को समझो कि लोग पैसा कमाने के लिए नहीं इसमें आते, पैसा कमाने के कई चांस हैं, कई तरीके हैं, कुछ लोग इसमें पैसा नहीं टाइम कमाने के लिए आते। हेलो, पहले मैंने नौकरी करने के साथ साथ डबल टाइम लगाया, जब मैं डबल टाइम लगाते तो लोग कहते थे मूर्ख है, प्रोफेसर है, अच्छा बड़ा 2 बजे घर आ गया, अब मुंह भी काला, दाढ़ी भी काली, पगड़ी भी काली, बाहर स्कूटर पे जब मैं भागता था मिट्टी डल डल के मुंह काला हो जाता, कहते कि प्रोफेसर क्या हाल हुआ इसका, भागते थे कहते कि इनको ना ज्यादा पैसा की भूख है। जो समाज है ना वो चारा काटने वाले को क्या बोलते हैं? दत्री, दात्री बोलते ना, दात्री के एक तरफ दांत होते हैं, जो समाज है उनके दोनों तरफ होते हैं। अगर आप कुछ करते नहीं तो बोलेगा घर में बैठ रहे थे कुछ करते ही, जब भागना शुरू कर देते हो उधर फोन लगा होता है, उधर मुंह में खाना खा रहा होता है, कहते क्या कर रहे हो यार, खाना भी ढंग से नहीं करते, पैसे की तेरे को बड़ी भूख है, बड़ा लालची बंदा, बड़ा इंसान लालची, बड़ा काम ही करता रहता है, जिंदगी जियो यार, जब जिंदगी जीने लगता है कहता कुछ कर ले, हरामी बैठा रहता है। समाज को आप खुश नहीं कर सकते, मैं भाग रहा हूं, लोग कहते हैं मेरे को क्या समझ आएगा, ध्यान से मेरी बात को समझना। अमीर बंदा वो नहीं होता जो पैसा जोड़ता है,
हेलो, दुनिया में एक बंदा बता दो पैसा जोड़ने वाला बंदा कभी अमीर अमीर कौन होता है? हम क्या करते हैं? हम पैसा बैंक में जमा कराते हैं, जमा कराते हैं 10,000 मुश्किल घड़ी में। हेलो, इसीलिए कहते हैं ना, ये तो समझ है ना, ये तो अनपढ़ को भी समझ है, ये तो बेवकूफी को भी समझ है। लेकिन हमें ये बताया कि कामयाब लोग पैसा जमा नहीं करते, कामयाब लोग बैंक में टाइम जमा कराते। टाइम जैसे आज तारा गंद नहीं करवा रहे हैं, ये जॉब कर रहे हैं अपनी मजबूरी के लिए, खाना खाने के लिए, लेकिन उसके साथ पार्ट टाइम जो काम कर रहे हैं ना, पैसा नहीं कमा रहे। जो हम टाइम फालतू टीवी देख के, अखबार देख के, आपस में बहस करके, गरीबी अमीरी केजरीवाल मोदी के ऊपर बहस करके जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, वो टाइम ताराचंद जी सेव करके बैंक में डाल रहे हैं। ये भी हमें नौकरी करके आराम से बैठ सकता था, लेकिन टाइम जो मैंने सेव किया, 2 साल मेहनत की, तो आज मेरे पास सबसे बड़ी अचीवमेंट है टाइम फ्रीडम। कोई सुबह उठ के दुकान नहीं खोलनी, कोई बंद नहीं करनी, कोई किसी को जय जनाब नहीं कहना, हाँ जी बॉस हाजिर है, होते ना जो हमें यस सर जब बोला नो सर तो गो सर। कोई अपना बॉस नहीं, अपना दिल किया तो जयपुर जाएंगे, अपना दिल किया लखनऊ जाएंगे, अपना दिल किया यूपी जाएंगे, अपना दिल किया कश्मीर जाएंगे, अपनी मनमर्जी के हो गए ना। टाइम जो यही मुश्किल घड़ी में काम आ रहा है। मेरी नई नई शादी हुई थी, 1 मिनट का टाइम था, रिश्तेदारों के पास जा रहा, नई नई नौकरी लगी थी। जब नई नई नौकरी लगती है ना, तो जो पढ़ाना होता है वो भी पहले पढ़ना पड़ता था, क्योंकि मैं तो पढ़ा 10 साल पहले की पढ़ाई, अब नहीं आ गई। जब प्लस टू की क्लास को पढ़ाना है तो एमए वाला थोड़ी पढ़ाना है, तो प्लस टू वाला पढ़ाना है। पहले मैं पढ़ता था, फिर मैं पढ़ाता था, फिर मैं पढ़ता था जो अगले दिन पढ़ाना है, और साथ में अपना पीएचडी की भी तैयारी करता था। साथ में नहीं, एक मिनट का टाइम नहीं था, 1 मिनट का। मुझे बंदे ने प्लान दिया, कहते काम करो, मैं कहा मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं। कहते ये काम ही उन लोगों के लिए है जिनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि क्यों हमें समझ नहीं, हम सोचते कि फालतू बंदे का काम है, फालतू कुछ नहीं करेगा। बात को अंडरस्टैंड करना, जिसके पास 1 मिनट का टाइम नहीं, अगली बात आपको पता ही नहीं कि उसको लाना कैसे है। मुझे पूछा क्या 10 साल बाद टाइम होगा, 20 साल बाद होगा, अच्छा चलो 40 साल बाद होगा। तो जो 40 साल से काम कर रहे हैं उनके देख लिया ना भी टाइम नहीं है। जब मेरे पास 40 साल के बाद भी टाइम नहीं होगा, तो फिर टाइम होगा कब? ये काम ही इसलिए करना है कि जो 40 साल का काम है वो 2 साल में कर दिया जाए, बाकी के 38 साल टाइम ही टाइम टाइम ही। हमें पता नहीं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये जो एमएलएम की इंडस्ट्री है, ये कोई नेटवर्किंग की इंडस्ट्री है, कि हमें समझ ही नहीं कि ये इंडस्ट्री किस चीज की है। हर चीज को करने से पहले तैयार किया जाता है। खेत में जाके बीज डाल दोगे, बीज उगेगा? पहले उसको बीज डालने के लिए बराबर किया जाता है, यह जाता ना, उसकी खुदाई की जाती है, उसकी बिछाई की जाती है, उसका लेवल चेक किया जाता है कि पानी थोड़ा होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, फिर बीज लगता है। यस, मेरी बात परेशान कर रहे हो? दो बातें ध्यान रखना, फिर उस बीज की 6 महीने देखभाल की जाती है, 6 महीने बाद फसल होती है। अगले दिन आके खोद के देखते हो बीज उगा नहीं। देखो इससे बड़ी एग्जाम्पल वो नहीं हो सकती ना, देसी एग्जाम्पल, खेती बाड़ी की एग्जाम्पल। इसी तरीके से नेटवर्किंग करने से पहले आप फटाफट सोचो, आज ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, पहले मिट्टी तैयार करो नेटवर्किंग करने के लिए। पहले आपको नेटवर्किंग के इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, जब उसको समझ आ जाएगा फिर बीज लगेगा। ज्वाइनिंग कब होगी? जब आप 4,000 के प्रोडक्ट ले लोगे, 5,000 के प्रोडक्ट ले लोगे, मीटिंग में आ जाओगे, तब ज्वाइनिंग नहीं। ज्वाइनिंग कब होगी?
जब आपने सोच लिया कि ये प्रोफेशन बड़ा शानदार है, मैंने इसमें इस काम के लिए आना, मैं चार पांच काम बताऊंगा किसी काम के लिए आप आ सकते हो। जिन लोगों को आप लेके आना आपको पता तो लगे ना किस काम के लिए आना है। जब आपको समझ आ गया फिर आपको बोलेंगे कोई करे चाहे ना करे मैं तहलका मचा दूंगा, मुझे समझ आ गया। मैं अकेले जब डाला कोई टीम नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। 2-3 बजे मैं फ्री होता था, सो जाता था, फिर मैं देखता था कि कौन 2-3 बजे फ्री है, मैं जाकर उसको प्लान करता था। कुछ लोग नौकरियां वाले 2-3 बजे फ्री हो जाते हैं, कुछ नौकरियां वाले 5-6 बजे फ्री होते हैं, मैं फिर 5-6 बजे प्लान करता था। कुछ दुकानदार 8 बजे फ्री हो जाते हैं, मैं उनको जाके 8:30 बजे प्लान करता था। कुछ दुकानदार 10 बजे फ्री होते हैं, मैं रात को जाके 10 बजे प्लान करता था। कुछ को सुबह जाके मैं 7 बजे प्लान करता था। देखना पड़ेगा ना कि मैं जिसको मिलने जा रहा हूं कितने बजे फ्री होगा। तो मैंने क्या किया, 1 घंटा नौकरी से पहले, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात को, 1 घंटा लेट नाइट, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया, 3-4 लोगों को मिलना शुरू किया। समझ आ गई कि मैंने टाइम फ्रीडम लेनी है, 2 साल में काम करके 36 साल फ्री हो जाना है, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, नहीं तो मैं जिंदगी में कभी फ्री नहीं हो सकता। टीम बनाऊंगा, काम करूंगा। बीज लग गया कब, जब ये मन में आया। हेलो, बीज कब लगेगा, जब आपको ये समझ में आ गया। हमने कहा मैं कहानी आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त था, उसका बच्चा ना बहुत शानदार क्रिकेट खेलता है, हेलो, बहुत शानदार क्रिकेट खेलता है, इतना शानदार क्रिकेट खेलता है। तो उसको बताया कि तेरा बच्चा बहुत शानदार क्रिकेट खेलता है, बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, बड़ा अच्छा चौका मारता है, छक्का मारता है, तू अपने बच्चे को अगर क्रिकेटर बनाना चाहता है तो इसको दिल्ली ले जा। हेलो, वो अपनी नौकरी वोकरी सब कुछ का सेटअप करके, फिर इसका सेटअप करके उसको दिल्ली ले गए। दिल्ली 6 महीने तक जिस एकेडमी में डाला उसको बैट तक नहीं पकड़ाया, हेलो, उसको बाल तक नहीं पकड़ाया। मेरी बात को ध्यान से सुना, जो कई बार दिखता है ना वो होता है। मुझे उसका फोन आया, कहता यार अच्छा वाला बटाला में था, बड़ा टॉप पे जा रहा था, मेरे बच्चे ने बड़ा तगड़ा बन जाना था, जहां 6 महीने हो गया कोच ने इसको बॉल भी नहीं पकड़ाई, इसको बैट भी नहीं पकड़ाया। कहते मैं क्या करता, कहता सुबह बुला लेता, 3 घंटे भगाता है, एक्सरसाइज कराता है, हम हवा के जब हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जब वो पूरा थक जाता है घर भेज देता है, शाम को भी बुला लेता। मैंने उसको बोला ये बिल्कुल सही कोच के पास आप गए, बैट तो वो कभी भी पकड़ लेगा, बॉल तो वो कभी भी पकड़ लेगा, लेकिन वो अच्छा क्रिकेटर कैसे बनेगा उसके लिए पहले उसकी बॉडी को सेट करना है। आम बंदे को क्या समझ आ रहा है, बैट ही नहीं पकड़ा है। ये कोच कोच में अंतर होता है। अब हमारी क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को हम समझ ही नहीं पा रहे। हम कहते अच्छा पैसा